ये देख लो, इतना बड़ा घर है, इतने सोफे लगे हुए हैं, बट मैम यहाँ पे हमारे ये सेंटर टेबल पे बैठ के ही देखती है टीवी। अभी इसको नहलाया मैंने, अपनी राइम्स एंजॉय कर रही है। तब मेरे को एक दो काम है, मैं अपने वो काम कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो आज है बहुत ही अच्छा दिन, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे इनकी बहुत साल पुरानी फ्रेंड है कृति, अब मेरी फ्रेंड बन गई है ऑब्वियसली इनकी शादी के बाद। तो उसके अभी बेबी हुआ है, तो जब बेबी शावर था उसका तब मैं घर पे गई हुई थी, बट अभी उसके बेबी हो गया है कुछ दिन पहले ही। तो वो लोग छोटा मोटा कुछ फंक्शन है उनके घर में, तो उसी के लिए उन्होंने इनवाइट किया है। तो मेरा बहुत मन है मिलने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कृति से मिले हुए, और अब उसके बाबू से मिलेंगे, तो उसी के लिए जाना है आज। तो कल बना गिफ्ट लेके आ गए थे, क्योंकि आज शाम को निकलना है, तो वो वैसे ही ऑफिस से लेट आते हैं, तो फिर गिफ्ट लेते हम लोग बहुत टाइम लग जाता, तो गिफ्ट लेके आ गए थे, रैपर भी लेके आ गए थे, तो वही मेरे को पैक करना, वो पैक कर रही हूँ मैं। है रेटल का सेट, जो झुनझुने बोलते हैं हम हिंदी में अपने देसी भाषा में, तो ये कल बना लेके आए थे, क्योंकि जो अभी कृति का बेटा है वो शायद एक महीने का भी पूरा नहीं हुआ, तो उसने फिर, क्योंकि कृति का जो बेटा है वो भी एक महीने का भी पूरा नहीं हुआ, तो हमें लगा और तो क्या ही दे सकता है। ये चीज़ें हैं अभी उसके काम आएंगी, जैसे ऐसे अब धीरे धीरे वो पकड़ना सीखेगा चीज़ों को, तो रेटल्स पकड़ेगा और खेलेगा। और ये गिफ्ट रैपर भी बना, देखो कैसा लाया, जिसमें पोकेमोन और ना अलग अलग कार्टून्स बने हुए हैं। तो ठीक है, ये मैंने ले ली है टेप, और ये मेरी सीज़र, और साथ में मैंने ना एक ड्रेस भी निकाल ली है, ये रही, ये मेरे पास थी ऑलरेडी, क्योंकि यार छोटा बच्चा पहली बार जा रहा है, मैं पहली बार मिलूंगी, तो एक जोड़ी कपड़े भी देने चाहिए। वैसे मैं सोच रही थी दो जोड़ी निकाल लूँ, बट सारे ना फिर बड़े साइज़ के हैं, और ऐसे बड़े साइज़ का देने का क्या ही तुके, जब बच्चा पहन ही नहीं पाए। तो बहुत अच्छा सेट है ये, टी शर्ट है और निकर है, जैसे अभी गर्मी आने वाली है, तो अभी तो नहीं आएगा, खैर उसको दो या तीन महीने का हो जाएगा तब आ जाएगा उसको ये, तो इसलिए मैंने फिर ये निकाला है। तो अब इन सबको कर लेते हैं पैक। ये हो गया है गिफ्ट पैक, नीचे रेटल वाला बॉक्स है और ऊपर ये ड्रेस है, दोनों अलग अलग पैक करके फिर ज्वाइन कर दिए हैं, फ्रॉम गौतम एंड कोमल। ठीक है, जा रही थी नहाने, क्योंकि घर का सारा बेसिक काम हो गया, और नहाने के लिए मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ का कोको बॉडी वॉश। बॉडी वॉश ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्किन को नरिश रखे, हाइड्रेटेड रखे और सॉफ्ट बनाए, और जो मामा अर्थ का ये कोको बॉडी वॉश है, ये हमारी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट रखता है और साथ में सॉफ्ट भी बनाता है। इसमें हमें की इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, कॉफी, इट इज ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज, कोकोआ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट बूस्ट ब्लड फ्लो, ओट अमीनो एसिड, इट इज एक्सट्रीमली जेंटली ऑन द स्किन एंड हैज ग्रेट क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट वन इज ग्लिसरीन, इट डीपली हाइड्रेट द स्किन एंड लीव इट सॉफ्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। अभी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ये सीधा आपको लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ, क्योंकि इनका मेन एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करना। साथ ही ये एक इंडियन ब्रांड है और एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। आपको नीचे जो एक कूपन कोड दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको मिलता है 20% डिस्काउंट, बट ये डिस्काउंट आपको सिर्फ अवेलेबल होगा मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। तो मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं नायका पर, अमेजोन पर, पर्पल पर, फ्लिपकार्ट पर, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मामा अर्थ के सभी आपके नियर बाय स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। हमने अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है, जहां आपको मिलता है सेल्स का अर्ली एक्सेस और साथ ही खूब सारे डिस्काउंट्स भी। लिंक सभी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आप देखा, मैं बेस में हूँ एक्चुअली, अभी मामी से और मामोसा आए थे, कुछ काम से आए थे, अभी आपको आगे बताऊंगी क्या आए थे। तो सामने यही बेस धुला हुआ रखा था, अभी कुछ दिन पहले पहना था मैंने, तो फिर फटाफट मैंने यही पहन लिया, नहीं तो मैं लोअर टी शर्ट में थी। बट ऐसा है भाई, मतलब मामा जी और मामी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो लोग किसी चीज़ को नहीं, उनको ऐसा भी नहीं कि हम घूंघट करें उनसे या कुछ भी, बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी वो है ना हमेशा से वही जिस तरीके से रहे हैं उनके आगे, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। बाकी कोई बात नहीं है ऐसी, वो कभी ऐसे मतलब कभी नहीं कहते कि भाई बहू हो, ऐसे रहो वैसे रहो, बहुत अच्छे हैं हमारे मामा सर मामोसा। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस वजह से आए थे।
मामी सा मेरे लिए लेके आए थे ये फाग का बेस, जो कि बहुत ही प्यारा फाग का बेस है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये फाग का बेस है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है पहने हुए। तो इस तरीके का ये बेस है, ये इसका ओढ़ना है बहुत ही प्यारा, और ये इसकी कुर्ती और कांचली है, ये शायद इसका वो गुणा का कपड़ा है ये अलग से, और ये कुर्ती कांचली है, ठीक है। और ये पूरा लहंगा है जो कि बहुत ही प्यारा है, सिलने के बाद और प्यारा लगेगा। तो जब ये फुल ड्रेस बन जाएगी ना, तब मैं आपके साथ रील्स और फोटोज़ वगैरह शेयर करूँगी, ठीक है। मामी जी की ना शॉप है मयूर पंख के नाम से, देखिए आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह दिख रहा होगा, मयूर पंख टेक्सटाइल इंडिया, सभी प्रकार के राजशाही राजपूती पोशाक सूट और साड़ियों के व्यापारी। यहाँ पे आपको नंबर भी अवेलेबल है और एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, एड्रेस है शॉप नंबर 2, आपको दिख भी रहा होगा, विवाह पैराडाइज वेद जी का चौराया है जो हमारे निवारू रोड पे, यहाँ पे मेरे घर के आसपास जितने भी लोग हैं उनको पता ही होगा, निवारू रोड पे वेजी का चौराहा काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पे विवाह पैराडाइज है। जैसे हम आर्मी एरिया के साइड जाते हैं ना वेजी के चौराहे से, तो पेट्रोल पंप आता है एक राइट साइड में, उससे पहले ही है मामिसा की ये शॉप। तो मयूर पंख के नाम से अगर आप वहाँ आसपास रहते हैं या वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए शॉप पे और चेकआउट कीजिए, इनके पास साड़ियों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन। मामिसा की जो शॉप है वो वेद जी के चौराहे पे है, थोड़ा सा आगे जाके जो पेट्रोल पंप आता है वहाँ पे, अभी मैंने आपको सारा एड्रेस भी दिखा दिया, आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी मैं। एक्चुअली अभी उन्होंने इंस्टा पे नया पेज बनाया है अपना, मयूर पंख के नाम से ही है, लेकिन अभी इतने वहाँ पे वैरायटी आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप शॉप पे विजिट कर सकते हो अगर आप नियर बाय हो। बाकी अभी वो लोग इंस्टा पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको राजपूती ड्रेस लेनी है, राजपूती पोशाक लेनी है, हाफ प्योर प्योर सब चीज़ों में इनके पास मिलती है वैरायटी, और साथ ही साड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा है इनके पास, साड़ियों का भी, अगर आप साड़ी वगैरह कुछ परचेज करना चाहते हो तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। हमें जाना है, बर्थडे बोल रही हूँ फंक्शन में बेबी के, तो आज मैं सोच रही हूँ ये पहन के जाऊँ, ये मेरा ऑर्गेन्जा का 4 मीटर का सूट है। अरे क्या हो गया परी, अरे हटो एक बार। तो ये अभी मैंने नया सिलवाया है, ग्रे कलर में है ये इसकी कुर्ती और कांचली, तो आज तक पहना नहीं है, और इसके साथ है ये प्योर का ओढ़ना जो कि इसके साथ नहीं लिया था, ये मेरे दूसरे सूट का है बट इस पर मैच हो रहा है बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ख़रीदा भी नहीं था नया, तो इसके साथ यही पहनेंगे, देखते हैं कैसा लगता है फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, बट एक दिक्कत आ रही है क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का है, तो यहाँ से ना ये बार बार ओढ़नी फिसल रही है। सर पे रखने की तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मतलब फ्रेंड्स हैं ऑब्वियसली, तो सर पे या घूंघट करने की जरूरत नहीं है। तो हो गई हूँ रेडी, पूरा लुक आपको बना देंगे तब दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखा सकती। तो इस तरीके का कुछ लुक है, मैंने रखड़ी ही नहीं लगाई है, सिर्फ शीश फुल लगाया है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, डोंट नो कैसा लग रहा है, मतलब सिंपल सोबर लग रहा है लुक। तो फिर मैंने सोचा कि अपने मतलब खुद के मतलब वो तो है नहीं कि भाई ससुराल का फंक्शन है या कुछ इस टाइप का, तो इस वजह से बना के और बताएंगे कैसे लग रही है। क्या कर रही है ये, रात के 10:30 बज रहे हैं और इसको संतरा और केला खाने हैं, रोटी तो खाई नहीं गई, केला और संतरा खाने हैं इसको। आ जा परी, मना कर रही है ना मम्मा इस टाइम नहीं खाते, कम यार मेरा बेटा है ना, आज चीजी दूंगी मैं बेटा को, आ जाओ बेटा, बनाना नहीं खाते इस टाइम, सुबह खाएंगे बनाना, वो वाली बनाना लाओ, आपकी टॉय बनाना है ना, टॉय है ना आपका बनाना वाला, वो लेके आओ लेके आओ लेके आओ, वो रो वो लेके आओ। नो क्या होता है बेटा, हर चीज के नो करते हैं क्या मम्मा को, मम्मा को हर चीज के लिए ऐसे बोल देते हैं क्या नो, ऊपर देखो मम्मा की तरफ देखो, लुक एट मी परी, लुक एट मी, इस टाइम नहीं खाते बेटा बनाना, सुबह खाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं ना हम, तब खाते हैं, आपको सुबह देती है ना मम्मा जब आप उठते हो, तब दूध देती है, बनाना देती है। परी तो गुड गर्ल है परी, अच्छा गुस्सा हो गया क्या बेटा, गुस्सा हो गया, इधर देखो 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 तो सही,
ये क्या कर रहे हो आप? ओहो, ठीक है ले लो तो खुद से, मैं तो दूंगी नहीं, मैं तो नहीं दूंगी, खुद से लेना है तो ले लो, जाओ ले लो खुद से, नहीं मम्मा तो नहीं देगी, मम्मा नहीं देगी। मेरे पैर पे क्यों बैठ रहे हो आप? मेरे पैर पे क्यों बैठे हो आके? हटो हटो मम्मा के पैर से, हटो बेटा हटो, परी हट जा, देखो जाओ 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 पापा आ गए, जाओ जाओ गेट खोल के आओ, जाओ पापा आ गए, जाओ गेट खोलो पापा आ गए, गो 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 गो। अभी वापस ट्राई करेगी, हार नहीं मानती है, देख लो अब इसकी करतूत। परी मम्मा ने मना कर दिया ना, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, आप कितनी जिद कर लो, जिद करने की कोई बात ही नहीं है ये। आ जाओ इधर आओ, अभी आपने डिनर किया है ना, खाना खाया ना, अभी आपने खाया ना, अभी आपने खाना, इधर आ जाओ, मैं नहीं दूंगी, हर चीज पे जिद नहीं करते हैं, आ जाओ इधर आओ, मेरा अच्छा बच्चा नहीं, अच्छा मम्मा, अच्छा मम्मा को लाडी कर दे। नोज कहाँ है? अच्छा नोज बताओ परी, नोज कहाँ है? परी ने नोज बताना सीखा है अभी, परी बताएगी नोज कहाँ है, परी नोज कहाँ है? अब इसको क्यों निकाल रहे हो आप? शैतान, ये नहीं निकलेगा, अनहोनी चीजें क्यों करनी होती हैं आपको? सब ऐसे बोलते हैं, लड़कियां तो शानी शानी होती हैं, मेरे देख लो शैतान, जिद्दी, ज्यादा लाडे सर हो रही है ये, ज्यादा लाडे सर हो रहे हो क्या आप? आपका हाथी कहाँ है? हाथी राजा कहाँ है आपका? ये रबरी का हाथी राजा, हाथी, इसको तो मोड़ तोड़ के तो नहीं क्या कर रखा है बेचारे हाथी को, इसने मुंह कहीं है बेचारे का, नाक कहाँ है? हाथी राजा, अरे 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 नोट गिर गई मेरी, परी। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।